हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मुंह में घुलने वाली रसीली मिठाई। आज हम सूजी की रसभरी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में आधा कटोरी सूजी लेंगे। सूजी हमें इसमें बारीक वाली चाहिए, अगर मोटी हो तो एक बार मिक्सचर जार में चला लीजिए। आधा चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो सूजी को हमें सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर। हम इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक सेकेंगे और चलाते हुए ही हम इसको भुनना है। तो देखिए, इसको हमने चलाते हुए सेक लिया है, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर हमने चेंज किया है। जैसे कि हमने कहा था कि हमें हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे इसको। इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आ गई है और करीबन हमने इसको 3 मिनट तक भुना है। अभी हमने 1 कटोरी दूध लिया है, वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी दूध लिया है, आप चाहे तो आधा कटोरी दूध और आधा कटोरी पानी भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सारा दूध हम ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको हम लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए, लो फ्लेम पर हमने इसको चलाते हुए पका लिया है, एक डो के फॉर्म में ये आ चुका है। अगर आपको फ्रेंड्स ऐसा लगे कि सूजी में आपका दूध कम पड़ रहा है तो 2-3 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब हम गैस पर बर्तन में 1 कटोरी चीनी लेंगे और उसी के बराबर हम पानी ऐड करेंगे 1 कटोरी। इसमें हम 3 इलायची के हमने दाने लिए हैं, वो हम ऐड करेंगे। इसमें हम कुछ बूंद ऑरेंज फूड कलर की ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इलायची और फूड कलर ये दोनों ऑप्शनल है, डालना हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे नेचुरल कलर में भी बना सकते हैं। तो चाशनी को हम मीडियम फ्लेम पर बनने देंगे। तो ये चाशनी को हमने चीनी मेल्ट होने के बाद 2 से 2.5 मिनट पका लिया है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी चाहिए, क्योंकि बस इस तरीके से हाथों में चिपके वैसी चाशनी चाहिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ढककर रखेंगे। तो अब ये जो हमारा सूजी का मिक्सचर है, इसको हम मसलेंगे। हाथों को हमने चिकना कर लिया है घी लगा के। तो जब ये मिक्सचर हल्का गर्म हो तभी हमें इसे मसलना है, बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है हमें। तो इसको हम करीबन 2 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे। तो 2 मिनट हमने इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। इसको हमें इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। सभी इसी तरीके से रेडी करेंगे और इसको हमें हाथों से मसलते हुए ही बनाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें दरार नहीं पड़नी चाहिए, कहीं से भी फटने नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन बनाना है अच्छे से दबाते हुए। सारे इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। अभी हमने ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है, चेक कर लेंगे ऑयल को थोड़ा सा गोला डाल के। तो देख सकते हैं इस तरीके से बबल्स बन रहे हैं ऑयल में। तो ऑयल हमारा बराबर गर्म है और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है और ऑयल भी हमारा मीडियम ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज ऑयल हमें नहीं चाहिए गर्म। अब एक एक करके हम ऑयल में इनको डालेंगे। इसको हम थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। थोड़ा फ्राई होने पर पलटेंगे अब, और पलटते हुए ही हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसको हमने लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब ऑयल से इसे बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से दूसरे में बचे हुए फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सूजी को हमने पहले ही पका लिया है। तो अब ये जो हमारी चाशनी है, इसको हमने ढक के रखा था। चाशनी हमारी गर्म ही है, चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए
और जो हमने ये फ्राई किए थे ये भी हमारे गरम है, तो इसको हम चाशनी में डालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसको फ्राई करते वक्त जब निकालें तो थोड़ा गैस की फ्लेम को लो करके फिर निकालें, ताकि जो ये है वो जले ना, जैसे कि इस तरीके से ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब इसको हम आधा घंटा सोक होने देंगे इसी में ढककर। तो ये रसभरी हमारी देख सकते हैं सोक हो गई है। हमने आधा घंटा इसको सोक होने के लिए कहा था, लेकिन हमने 20 मिनट बाद से चेक किया तो 20 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से सोक हो चुकी है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से सोक हो जाती है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चाशनी पे एब्जॉर्व कर ली है इसने। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे मुँह में घुलने वाली रसभरी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। देख सकते हैं, देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आपको तोड़ के भी दिखाते कितनी बढ़िया बनी है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा एकदम रसीली जूसी बनी है। अंदर तक चाशनी अच्छे से अब्जॉर्व हो चुकी है, देख सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी है, ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट में भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।